तो आपने बहुत सारी चीजें ट्राई की है अपने लाइफ में, एंड आपका फर्स्ट स्टार्टअप था वाटर का, स्टॉक मार्केट का, सेकंड एल्गोरिथम, सेकंड वाज वाटर पैकेजिंग किंग, वाटर पैकेजिंग किंग, थर्ड वाज दिस टीचिंग का। हां तो ई लर्निंग का मैंने वो सीए पे किया एंड इट फेल्ड मिजरेबली अगेन बिकॉज़ इट वाज वी आर एट ऑफ टाइम। उस दिनों में इंटरनेट बफरिंग होता था, यूट्यूब इतना अच्छा नहीं, फेमस नहीं था, तो मेरे लेक्चर्स चलते ही नहीं थे ऑनलाइन, मैंने वो चेक ही नहीं किया। छह महीना मैंने लेक्चर्स बनाए, अच्छे क्वालिटी के वीडियोस बनाए, बाद में पता चला वो चल ही नहीं रहे। पहले ही फीडबैक लेना चाहिए था ना मुझे। मैं आई जस्ट लॉक माय सेल्फ इनसाइड अ रूम फॉर 6 मंथ्स एंड वर्क ऑन दोस वीडियो लेक्चर्स एंड फेल्ड मिजरेबली। एज यू टोल्ड कि आपने बहुत सारे स्टार्टअप किए, 3 स्टार्टअप एंड 4 स्टार्टअप आपका बुकलेट गया था, तो मुझे थर्ड स्टार्टअप में ना आपका जो टीचिंग का एक्सपीरियंस था वो मुझे कहीं ना कहीं से 4 स्टार्टअप से रिलेटेड लगता है, क्योंकि जैसे आप अगर बच्चों को नहीं सिखाते आपको मालूम नहीं चलता कि मेरे अंदर हिडन टैलेंट है, मैं लोगों के सामने बोल सकता हूँ। तो 4 स्टार्टअप में आपका जो कि सक्सेसफुल रहा है बुकलेट गाय के हिसाब से, तो आपको बुकलेट गाय मतलब कैसे, ये नाम किसी ने दिया या फिर आपने खुद अपना स्टार्टअप? ऐसे ही कुछ बुक, पहले तो कुछ T20 बुक्स आया, मैं दोस्तों से पूछ रहा था कुछ, तो बड़ा का छोटा आ रहा है ना कि अभी 5 दिन का टेस्ट मैच कोई देखता नहीं है, वर्ल्ड कप में स्टेडियम खाली था बिकॉज हमको 4-5 घंटे की आदत होगी T20 की फॉर्मेट, तो सब छोटा हो रहा है, छोटा है। तो मैं सोचा कि बुक को छोटे में क्या बोलते हैं, then booklet sounded very interesting, booklet chocolate ऐसे, and then booklet guy I think ऐसे कोई interview ले रहा था and he बोलते बोलते he is the booklet guy and I found that name very fascinating, wow booklet guy, that means I'll never get old, मैं 70 साल का हूँ तो भी guy बोलेंगे मुझे, तो बोला चलो ये नाम अच्छा है, तो पता नहीं अनजाने में मैं वो बोलने लगा booklet guy, लोग भी बोलने लगे booklet guy। एक किस्सा सुनाता हूँ, बहुत ही फनी है। तो गुजराती लोग के प्रोनाउंसिएशन कैसे रहते हैं, कम टू माय हाउस आई हैव अ बिग होल, हॉल को होल बोलते हैं, कैश को केस बोलते हैं। तो गुजरात में मुझे इनविटेशन था लॉकडाउन के पहले, आई वाज सिटिंग ऑन द पोडियम, वो लड़की इंट्रोडक्शन दे रही थी माइक पे, एंड सो लेट्स वेलकम बुकलेट गे, और कोई हंसी नहीं रहा है, मैं अकेले हंस रहा हूँ क्योंकि उनको they were used to that accent, no, so that was the funniest part. Correct. I'm not gay by the way.